आई एम नॉट सौरभ जोशी, आई एम नॉट नंबर वन व्लॉगर। भाई जैसे तू वीडियोस मार के तक कर रहा है ना, नंबर वन व्लॉगर बनना मुश्किल ही लग रहा है तेरा। वैसे इसके टाइटल सामने में सौरभ जोशी, लेकिन वीडियो के अंदर इसने अपनी जिंदगी की कहानी बता, मतलब देख रहा हूँ सौरभ जोशी के बिना इसकी जिंदगी भी अधूरी है। वैसे भाई सच बात बताओ, तुझे अपनी जिंदगी की स्टोरी में नहीं बल्कि करियर स्टोरी में सौरभ जोशी की फोटो लगानी चाहिए। उस थंबनेल में तू नहीं बल्कि सौरभ जोशी रोते हुए दिखना चाहिए था, क्योंकि जितना बिना गलती के तेरी वीडियो की वजह से नेगेटिविटी मिले उस करो ना तो बनता ही है। बाकी तुझे तो व्यूज ही मिले, तू क्यों रो रहा है यार? अब अगर तुम लोग खान सर की वीडियोस देखते हो और उनसे कुछ सीखते हो, उसके बाद भी तुम वीडियो का थंबनेल देकर ये चेक करने आगे कि खान सर सच में घमंडी हैं, तो पाप लगेगा तुम्हें अपने गुरु पर शक करते हो। हाँ तो यार, इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं सेम इसी टाइटल और थंबनेल के साथ अपने चैनल को ग्रो करवाने वाले राजा व्लॉग्स की। अब अगर तुम लोगों ने भी सौरभ जोशी के सपोर्टर्स और फैन बन के उसके खिलाफ फालतू की नेगेटिविटी फैलाने वालों को कभी ना कभी गालियां दी होंगी, तो तुम लोग इसे जरूर जानते होंगे, क्योंकि कमेंट में गालियां लिख कर ही सही, लेकिन इसके चैनल की रीच बढ़ाने के तुम भी जिम्मेदार हो। अब देखो यार, क्लिक बेट ने यूट्यूब पर व्यूज गेन करने का एक शॉर्टकट है, लेकिन अगर इस शॉर्टकट की आदत ही पड़ जाए तो तब पता क्या होता है, तब बनता है राजा व्लॉग्स का चैनल ऊपर से लेकर नीचे तक हर वीडियो पर क्लिक बेट है इसका। और पता क्लिक बेट भी किस लेवल का? कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में दंगे हो रहे थे जिस पर लोग ट्रेनें जला रहे थे, उस पर भी भाई ने क्लिक बेट कर दिया, पूरा ट्रेन में आग लगा दी, प्लीज हेल्प मी। हाँ भूतनी के ट्रेन में आग लगाकर तेरी तो अग्नि परीक्षा चल रही, जो जलती हुई ट्रेन में तुझे अकेला छोड़ दिया। अब मैं ये नहीं कह रहा यार कि क्लिक बेट नहीं करना चाहिए, करना पड़ता है यार, मजबूरी है, पर यार हर वीडियो पर नहीं चलता ना, और जबकि तुम्हारे पास 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर का बेस भी हो। ओ भाई, पर यहीं पर इसके चलने के रियलिटी भी दिखते हैं कि कंट्रोवर्सी और क्लिक बेट के नाम पर तुम सिर्फ सब्सक्राइबर और ऑडियंस के नाम पर भीड़ इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन वो फैन बेस फिर सपोर्टर का भी तैयार नहीं कर सकते जो कि बुरे टाइम पर तुम्हारा साथ दे और तुम्हारे काम को वैल्यू दे। समझ में आ रहा है? पर इसकी भी मुझे एक क्वालिटी बड़ी सही लगी कि जितना भाव बिना क्लिक बेट के इसके सब्सक्राइबर्स इसे देते हैं, उतनी वैल्यू ये अपने सब्सक्राइबर्स की बातों को देता है, क्योंकि लगभग इसके सारी वीडियोस को जो टॉप या फिर मोस्ट लाइक कमेंट होता है इससे रिलेटेड होता है कि भाई तो प्लीज ज्यादा व्यूज के लिए जिनके 2 वीडियोस अपलोड कर दे हम वो देख लेंगे, लेकिन क्लिक बेट करके किसी का नाम खराब मत कर। खैर तो अब जरा तुम लोग सोचो यार, अगर तुम लोग यूट्यूब पर आते हो तो क्या सोच कर आते हो? लेकिन तुम लोग भी यूट्यूब से नेम फेम और पैसा कमाओगे, फिर तुम्हारे सक्सेसफुल होने के बाद तुम्हारे घर वाले भी तुम पर प्राउड फील करेंगे। वेल डन। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है, ये अपने घर वालों को प्राउड फील करने का मौका ही नहीं देता है, क्योंकि हर दूसरी वीडियो में तो अपने पीछे अपने घर वालों को हाथ जोड़कर खड़ा कर देता है। नहीं, एक सच बात बताओ ना, जो कि मैंने इसकी व्लॉग्स देखकर महसूस की है, ये बंदा चाहे वीडियो बनाने के लिए कितनी भी मेहनत करता हो, लेकिन जिस हिसाब से इसकी वीडियो में कंटेंट रहता है ना, कंटेंट क्रिएटर से ज्यादा बेचारा और लाचार लगता है। भाषणी का तुझे क्या, तू है कौन? खराना मैं तुम लोगों को जरा इस भाई के चैनल का डिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। मेरा नाम राजा बाबू है, मैं छोटे से गांव समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ, हाथ जोड़ने वाला इमोजी, मैं अपने माँ बाबा से बहुत प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। डिस्क्रिप्शन की दूसरी लाइन में यूट्यूब पर लड़की को गोल्ड टिकट दिखाने वाली वीडियो का प्लॉट ट्विस्ट लिखा हुआ है। आजा संडास दिखाता हूँ। पता हो राजा बाबू, तुम अपने घर वालों से ज्यादा प्यार करते हो या फिर मुझसे? मैं तो अपने माँ बाबा से ज्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा नहीं जरा तुम लोग सोचो यार कि भाई ये चीजें कोई बताने या फिर पूछने वाली चीजें हैं? नहीं माना मैंने यार कि लोग डिस्क्रिप्शन में अपने बारे में लिखते हैं, लेकिन भाई ने वहाँ अपना फर्जी लिख दिया। मैं अपने डेली लाइफ का व्लॉग अपलोड करता हूँ और मैं अपने जिले और इंडिया के लिए कुछ कर दिखाना चाहता हूँ। भाई सच बताऊँ तो अपने घर के हाल और हालात दिखाकर तो जिले या फिर इंडिया के लिए कुछ होने नहीं वाला है। बाकी अभी तक तूने जो इंडिया के लिए किया है वो काफी है, जैसे कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड टीचर खान सर, उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाना, इंडिया के सबसे बड़े व्लॉगर सौरभ जोशी, उनके बारे में नेगेटिविटी फैलाना, बाकी और कुछ जो तू इंडिया के लिए कर सकता है वो व्यूज का लालच तुझे करवा ही देगा। खैर तो मैंने जब तुम लोगों को इसके इतने सारे यूट्यूब अचीवमेंट्स के बारे में बता दिया है, तो अब उन अचीवमेंट्स के बदले में भाई को कुछ मिल भी तो रहा होगा। हाँ, यूट्यूब पेमेंट। भाई ने ज्यादा नहीं सिर्फ 14 ही वीडियो बनाई है अपने इस पेमेंट के ऊपर, माय 14th पेमेंट। ये बातें बताई नहीं जाती। नहीं भाई, तू अपने हर महीने ये पेमेंट की वीडियो बनाकर क्या दिखाना चाहता है, कि तू भी पैसा कमाता है? नहीं भाई, तू नहीं भी दिखाएगा तो हमें पता कि तू पैसा कमाता है, बिना फायदे के तो थोड़े ही यूट्यूबर इतना रोना धोना करेगा। अरे तो कोई मत बोल देना यार कि ऐसी वीडियोस बना के लोगों को मोटिवेट करता है, क्योंकि मुझे खुद यूट्यूब पर काम करते हुए 2 साल से ज्यादा हो गई है, और इसके चैनल से पहले मैंने अपने चैनल पर यूट्यूब वीडियोस अपलोड करना शुरू कर दिया था। मेरे चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ, मतलब कि मुझे यूट्यूब से कुछ मिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए हर महीने दूसरों की अर्निंग देकर मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर जरा मैं तुम लोगों को वो चीजें दिखा देता हूँ जिसकी वजह से कि आज इस भाई का चैनल चल रहा है, यानी कि क्लिक बेट। सर एक फोटो प्लीज, भागता है कि नहीं? देखिए खान सर कितना घमंडी है, वीडियो डिलीट होने से पहले ही देख लो, और थंबनेल में ये चुतिया आप करने के बाद भाई वीडियो में क्या सफाई देता है। तो गाइस मैं पूरा क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप लोग गलत कमेंट मत करना, मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे वीडियो बनाने से पहले वहाँ पे किसी भी चीज का अलाउ नहीं दिया गया था, ना ही वहाँ पे वीडियो शूट का अलाउ है, ना ही आप वहाँ पे फोटो खींच सकते हैं। अबे तू थोड़ा सा बहन का नहीं, पढ़े लिखे गवार, जब तेरे को इतनी समझ थी तो थंबनेल में ये सब बकैतियां क्यों लिखी हुई है? व्यूज के लिए की तो की, लेकिन जब 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज पर आ गए तो अब क्यों नहीं सुधार रहे? और जबकि लोग इसे कमेंट में समझा कर थक गए, लेकिन नहीं, भाई को तो उसी थंबनेल के सारे अपने आईफोन की EMI चुकानी है।
सौरभ जोशी ब्लॉग्स का घमंड देखिए, ये राजा ब्लॉग आप पहचानते ही नहीं? नहीं जानता हूँ इसको। चू दिया। हाँ, थंबनेल में हमने देखा कि सौरभ जोशी के अंदर बहुत घमंड है, लेकिन वीडियो हमने कैसा घमंड देखा कि सौरभ जोशी लोगों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहा है, सौरभ जोशी के गले में हाथ डालकर उससे बात कर रहा है। सो गाइस, आप लोग हमारा ब्लॉग देखते हो और स्पेशली पीछे देख सकते हो एक स्पेशल शख्स जिनका भी 10 मिलियन सब्सक्राइबर कम्प्लीट हुआ है। तो क्या कुछ राजा ब्लॉग के चैनल के बारे में कहना चाहेंगे? तो गाइस, ये भैया अभी को बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो इनको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, इनको भी 10 मिलियन 20 मिलियन तो हो जाओ। सर भैया कैसे हैं आप? डेली ब्लॉग करते हैं, हम भी डेली ब्लॉग करते हैं, ठीक है, बट मैनेज कैसे कर लेते हैं आप? हो जाता है। नहीं भाई, फैक्ट के साथ किसी को क्रिटिसाइज करके अगर किसी को नेगेटिविटी मिलती है तो वो एक अलग बात है, और तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से अगर किसी को नेगेटिविटी मिलती है तो वो एक अलग बात है, जो कि ये राजा व्लॉग कर रहा है। और ये सब बोलने के बाद भाई अपने व्लॉग्स में क्या बोलता है? प्रेरणा मिलती है जा करके, ठीक है। तो मेरा एक ऐसा मन रहता है, ये नहीं कि मैं उनके पास गया तो मुझे व्यूज की जरूरत है, ठीक है। हाँ, व्यूज का लॉस थोड़ना है भाई को, नहीं तो 8-10 मिनट की वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसके 3 पार्ट बनाकर क्यों अपलोड करता? खैर, इसके बारे में और ज्यादा क्या ही बोले यार, क्योंकि ये कंटेंट ही ऐसा बनाता है, इसने खुद अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं करी होंगी, उससे ज्यादा तो इसके ऊपर एक्सपोज वीडियो बन चुकी हैं। खैर, तो इस वीडियो को फिलहाल अपन लोग यहाँ पर खत्म करते हैं, और अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी अपन लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।